सबसे ज़्यादा एक्यूट जो प्रॉब्लम रेमडेसिविर की चल रही है उसको लेके बात कर रहा हूँ। रेमडेसिविर हमने अप्रैल 6 को विदेश से मंगा के लगाना शुरू करा था 2020 को। उसके बाद DGSIS ने, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग, उन्होंने रेमडेसिविर को लगाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल और कुछ कंडीशंस डाल के शुरू करने के लिए कहा था, एंड इट वाज अंडर ट्रायल बेसिस दैट टाइम, और इमरजेंसी ड्रग के रूप में उपयोग करना था। इसमें सबसे पहला काम ये था कि जिस जिस पेशेंट को मॉडरेट ARDS, मतलब जिसकी 20% से ज़्यादा लंग खराब है, उन्हीं को रेमडेसिविर लगाया जाए, बाकी सबको टेबलेट से काम चल सकता है फेविक्रिल की। इसके बाद इन सब में भी जो पेशेंट कोमॉर्बिडिटी के हों या फिर जो पेशेंट और ज़्यादा सीरियस हुए हों, उनको इसके साथ साथ और भी ड्रग्स यूज़ की जा सकती है। पर अभी हमने देखा कि इस रेमडेसिविर को इस तरह उपयोग किया गया कि कुछ पेथीज वाले डॉक्टर्स ने, कुछ कंपाउंडर्स ने, कुछ मरीजों ने खुद नहीं, ये जो काउंटर पे लेके परचेस करके और अपने अपने घर पे रख लिए हैं और लगा रहे हैं, ये एथिकली भी गलत है, साइंटिफिकली भी गलत है और ड्रग कंट्रोलर के हिसाब से भी गलत है। इसका कारण ये है कि इस इंजेक्शन से लीवर फंक्शन टेस्ट खराब होते हैं। इसको बिगर हॉस्पिटलाइज करे लगाना इज़ ए क्राइम। बेसिकली ये जितने भी लोग लगा लगा के घर भेज देते हैं, किसी ने उसका LFT नहीं कराया, किसी ने लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं कराया। बाद में ऐसा एग्जांपल मैं आपको एक डॉक्टर का देता हूँ जो रीवा से इंदौर आए थे, वो विदाउट टेस्ट रेमडेसिविर लगा के आए थे, उनको पेनक्रेटाइटिस हुई, 2 महीने तक परेशान हुए। इस इंजेक्शन के बाद में भी, 5 दिन बाद भी फिर से लीवर फंक्शन टेस्ट होना चाहिए। इसको हॉस्पिटलाइज करे बिगर या हॉस्पिटल में रखे बिगर कभी भी यूज़ न करें। ये रेमडेसिविर की शॉर्टेज जो दिख रही ना, ये लोगों ने घर में रख रख के और ब्लैक करने के लिए रख लिए थे। कई मरीजों के अटेंडेंट भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर पे इसलिए रख लिए कि उनको लगा कि कभी हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो इस शॉर्टेज को फेस ना करना पड़े। थर्ड बात यह है कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन 2 डोज अगर किसी को लग गए हैं तो अगर थर्ड आर्म मिस भी हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं पड़ रही है। इसका अल्टरनेटिव भी है, इम्यूनोसिन अल्फा, आप उसको लगा दोगे और टेबलेट पर रख लोगे तब भी काम चल जाता है।